कम्प्लीटली प्योर लेदर के अंदर है, पूरे ओरिजिनल बीडिंग के साथ ही। एक एक पार्ट आपकी गाड़ी का जो कार्पेट का वो सारा हम लोगों ने प्रोटेक्ट कर दिया। इसके नीचे का एरिया है वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। और अब मैं लाइट्स को चेंज करती हूँ, तो आप देखें कि जैसा आपका मूड है वैसा आप कलर्स को चेंज कर सकते हो। का ब्लॉकपंक का कैमरा अपना इंस्टॉल किया हुआ है, तो वो आप उसकी प्लेसमेंट देख सकते हो। और सबसे पहले बात करते हैं इसके कलर के बारे में। ये है इस गाड़ी का मिडनाइट ब्लैक कलर। जैसा कि बहुत सारे कस्टमर के जब वो न्यू कार परचेज करते हैं तो आई नो सबको डार्क कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, इवन मुझे भी डार्क कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। बट जब बात आती है कि डार्क कलर्स तो हम ले लेंगे बट उनको मेंटेन कैसे किया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्वर मार्क्स हैं या जो स्क्रैचेस हैं वेदर में पॉल्यूशन की वजह से जो पेंट पे इम्पैक्ट आता है वो सबसे ज़्यादा डार्क कलर्स पे ही विजिबल होता है। तो गाइस इसीलिए इस डार्क कलर को प्रोटेक्ट करने के लिए आज हम लोगों ने इस कार को प्रोटेक्ट किया है अपनी गरवारे की पीपीएफ फिल्म से। जैसे कि गरवारे को कौन नहीं जानता, गरवारे इंडिया की ऐसी कंपनी है जो पीपीएफ फिल्म को इन होम्स ही मैन्युफैक्चर करती है। इवन गरवारे की फिल्म काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ गरवारे की एक ऐसी सीरीज लेकर आई हूँ जो वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है। प्लस इसके अंदर आपको जो मिलता है टीवी भी मिलता है और कंपनी आपको देती है 3 इयर्स की वारंटी। सबसे पहले आज मैं आपको प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ। तो गाइस वो जो प्रोडक्ट रहने वाला है वो रहेगा हमारे गरवारे का प्लस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। गरवारे के बारे में जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये आपको 3 इयर्स की वारंटी देता, प्लस ये टीवी फिल्म है। जब कोई कस्टमर इवन कार परचेज करता है अगर उनको थोड़ी बहुत नॉलेज पीपीएफ की है कि हाँ मुझे पीपीएफ लगवानी है वो स्क्रैच प्रूफ होती है, बट उनके माइंड में एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज टीपीएच एंड व्हाट इज टीपीयू। काफ़ी सारे कस्टमर का मेन क्वेश्चन होता है कि क्या वो अपनी गाड़ी में कौन सी फिल्म लगवाए, टीपीएच या टीपीयू। गाइस मैं आपको बताने वाली हूँ, टीपीएच फिल्म होती है वो एक जस्ट अ लैमिनेशन होती है। टीपीयू में काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी होती है, प्लस इसमें सेल्फ हीलिंग भी होता है, इंस्टेंट सेल्फ हीलिंग भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। अभी हम उसके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी उसमें पूरा डिस्कस करेंगे। पूरा एक स्पेशल वीडियो सिर्फ पीपीएफ के ऊपर बनाऊंगी कि पीपीएफ क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती है। लोगों ने इस कार के ऊपर अपना ऑलरेडी गरवारे का गरवारे प्लस सीरीज का जो पीपीएफ है वो ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ पूरा इसका प्रोसेस कि हम और अपना जो पीपीएफ अप्लाई किया है उसका एप्लीकेशन किस तरीके से। परचेज कर रहे हैं तो वो ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जो काफ़ी यूजफुल है। सबसे पहले बात करते हैं इसके साइड मिरर्स के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इसके AX5 वेरिएंट में साइड मिरर्स ऑटोमेटिक नहीं आते हैं और वो आता है कम्प्लीटली प्योर ब्लैक के अंदर। सो गाइज ये है इस गाड़ी की की, तो अभी ये है लॉक का बटन, ये है अनलॉक का बटन। पहले मैं गाड़ी को लॉक करती हूँ, तो आप यहाँ देखिए तो ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर है जो AX5 वेरिएंट वाले कस्टमर को चाहिए होता है।
तो आप देखिए, साथ ही में आपको देखने को मिल रहा होगा इसके अंदर डुअल टोन। इसके जो साइड मिरर्स हम लोगों ने इंस्टॉल किए हैं वो भी आता है कम्प्लीटली प्यानो ब्लैक में, बट हम लोगों ने इसके अपर वाले पार्ट को कवर को बॉडी मैचिंग का कलर कर दिया है, तो वो भी आप लोग देखिए। इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसके इंटीरियर में आज हम लोगों ने किया है बहुत ही धमाकेदार इंटीरियर। और वैसे तो देखो XUV700 पे आप मेरी बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी देख चुके हो, बट अभी आपको थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि हम लोग डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा वर्कलोड भी है। और मैं आप लोगों के साथ जो हम लोगों ने साइड फोल्डिंग मिरर्स इंस्टॉल किए यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लोगों ने उसकी स्विच है उसकी प्लेसमेंट की हुई है, तो वो भी आप देखिए। इन्हीं गाड़ियों का वीडियो शेयर करना चाहती हूँ जो वन ऑफ द बेस्ट बनी है या जिनके अंदर मैंने बहुत डिफरेंट वर्क किया है, जैसे कि इस गाड़ी के अंदर मैंने साइड व्यू मिरर फोल्डिंग लगाया था, तो आप देखिए बिल्कुल कपलर टू कपलर हम लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है, कोई वायर कटिंग नहीं हुई है। और अगर मैं साइड मिरर की बात करूँ तो वो भी हमारा कम्प्लीटली महिंद्रा जेन्युइन का रहने वाला है, तो वो आप देखिए। साथ में आप इंटीरियर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि इस गाड़ी के अंदर आज हम लोगों ने जो यूज़ किया हुआ है वो किया हुआ है अपना प्योर जेन्युइन नापा लेदर। हर एक एक पार्ट पे हम लोगों ने अपना जेन्युइन नापा लेदर यूज़ किया है, चाहे किसी भी पार्ट के ऊपर हो। तो मैं अभी आपको बाइफरकेशन देती हूँ। जो इसके एसी वेंट्स आते हैं कंपनी से वो आते हैं कम्प्लीटली ब्लैक कलर के, बट जो टॉप वेरिएंट आता है उसमें आता है कुछ सिल्वर टच के साथ, तो आप देखिए हम लोगों ने इसके अंदर सिल्वर टच भी किया हुआ है। लुक आप देख सकते हो, सेंटर वाले का भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे भी हम लोगों ने जितने भी इसके एसी वेंट्स हैं यहाँ पे अपना सिल्वर टच दे दिया है। एसी ब्लोअर वाला जो सेक्शन है यहाँ पे हम लोगों ने अपना पियानो फिनिश दिया है, तो ये भी आप लोग देख सकते हो। डोर्स की बात करना चाहती हूँ, डोर्स की जो पावर विंडोज है यहाँ पे हम लोगों ने अपना पियानो फिनिश का लुक दिया हुआ है, तो ये लुक भी आप भी देखिए। आरसी लीवर पैनल्स आप देख सकते हो, इसको भी हम लोगों ने सिल्वर टच दिया हुआ है, सिल्वर ब्रश आप इसको बोल सकते हो, वो लुक दे दिया है। डैशबोर्ड की लुक आप देख सकते हो, डैशबोर्ड पे हम लोगों ने कम्प्लीटली अपना लेदर इंस्टॉल किया हुआ है। फिटिंग पहले आप देखिए, आपको पूरा कोई भी पैनल लूज नहीं लगने वाला है। साथ ही में जो फिनिशिंग है वर्क की वो भी आप कम्प्लीटली चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस गाड़ी के हर एक एक पार्ट पे हम लोगों ने प्योर जेन्युइन नापा लेदर अपना यूज़ किया हुआ है। थ्रेडवर्क आप देख सकते हो, लोगो डैश पार्ट की तरफ हम लोगों ने दी हुई है, थ्रेडवर्क बिल्कुल आपको स्ट्रेट देखने को मिलने वाली है, कहीं से भी जिगजैग देखने को नहीं मिलेगी। तो हम लोगों ने जो कलर लिया वो लिया है टैन कलर, बट बिकॉज ऑफ वीडियो शूट और कैमरा की रिफ्लेक्शन की वजह से, लाइटिंग रिफ्लेक्शन की वजह से, आई डोंट नो इस एग्जैक्ट कलर को कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं, अदरवाइज ये कलर बहुत ही धास हुआ है बॉस। डोर्स आप देखिए, डोर्स का जो अपर वाला पार्ट है जो डैशबोर्ड के साथ कनेक्टेड है, हमने इसको भी अपना लेदर ऐप इंस्टॉल किया हुआ है, उसकी फिटिंग एंड फिनिशिंग भी आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही में जो हैंडरेस्ट वाला पार्ट है ये आता है कंपनी से कम्प्लीटली अपना प्लास्टिक के अंदर, बट सबसे पहले हम लोगों ने इसके अंदर कुशनिंग की है आप देखिए। साथ ही में इसके ऊपर लेदर अपना इंस्टॉल किया हुआ है, फिटिंग देख सकते हो, फिनिशिंग देख सकते हो, बिल्कुल ओई टाइप फिनिशिंग आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाली है। स्टेरिंग को हम लोगों ने कम्प्लीटली अपना ब्लैक कलर का किया हुआ है आप देखिए। साथ ही में जो सिर्फ थ्रेडवर्क है वो हम लोगों ने अपना टैन कलर का लिया है, ताकि हमारे इंटीरियर से पूरा मैच हो सके। एक फिनिशिंग में आपको थोड़ा यहाँ से आप एक लुक देखिए स्टेरिंग का, कि बिल्कुल आपको OEM फिनिशिंग की तरह ही ये स्टेयरिंग देखने को मिलने वाला है। और समवेयर अराउंड रेडी करने में इसको हमें लगते हैं 4 to 5 hours। यहाँ वाला सेक्शन भी आप देख सकते हो इसके डैशबोर्ड का, इस पर भी हम लोगों ने अपना लेदर रैप किया हुआ है। सीट्स की बात करना चाहती हूँ, सीट्स हमारी कम्प्लीटली प्योर लेदर के अंदर है, प्लस बहुत ही सिंपल सोबर हम लोगों ने डिजाइनिंग ली है इसके अंदर, वही डिजाइन हम लोगों ने इसके अंदर इसको रेडी किया हुआ है। कम्प्लीटली सिंगल कलर है प्लस टैन कलर के थ्रेडवर्क के साथ, तो वो लुक भी आप देखिए। साथ ही में जैसा कि मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज में आपको बताती हूँ कि हम लोग कस्टमाइज सीट कवर्स में डील करते हैं, जिसमें हम लोग ओरिजिनल कार्पेट एंड बेडिंग इंस्टॉल करते हैं, तो एक लुक आपको दिखाना चाहती हूँ। जो साइड से आप ब्लैक वाला पार्ट देख रहे हो ये आपका ओरिजिनल कार्पेट ही हम लोगों ने इसके अंदर इंस्टॉल किया, ओरिजिनल बेडिंग से इसके अंदर इंस्टॉल किया आप देखिए।
इवन जो सीट्स के जो नीचे का पार्ट है, आप थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा और दिखाना चाहती हूँ, आप थोड़ा सा देखिए नीचे से कि ये जो वाला पार्ट है ये भी हम लोगों ने ओरिजिनल बीडिंग के साथ ही कनेक्ट है, तभी हमारी जो सीट्स की फिटिंग है वो बिल्कुल अप टू द मार्क आती है जैसे आपके हायर वेरियंट्स में आती है। तो एक्स्ट्रा कुशनिंग भी आप चेकआउट कर सकते हो, एक्स्ट्रा कुशनिंग भी हम लोगों ने इसके अंदर दी हुई है, तो आप देखिए। अब बात करते हैं इसके आर्मरेस्ट के बारे में। आर्मरेस्ट पे सबसे पहले बताऊंगी कि एक्स्ट्रा कुशनिंग हम लोगों ने कुशन एड ऑन किया हुआ है, प्लस सिंगल कलर के अंदर इसको रखा है विद टैन कलर के थ्रेडवर्क के साथ। फिनिशिंग आप देख सकते हैं किस तरीके की फिनिशिंग इसकी आई हुई है। इसके साथ साथ हम लोगों ने इसके अंदर जो इसका फ्लोर है उसको भी अपना प्रोटेक्ट कर दिया है, प्लस इसको दिया है डिफरेंट लुक। तो आप देखिए इंटीरियर से मैचिंग का ही जो कलर है वैसा ही कलर हम लोगों ने अपने फ्लोर पे भी दिया है। तो थोड़ा सा दिखाना चाहती हूँ, आप देखिए फ्लोर पे भी हम लोगों ने अपना 90 फ्लोरिंग जो किया हुआ है उसके अंदर हम लोगों ने ब्लैक प्लस टैन कलर का ही लिया हुआ है। सीट के नीचे का एरिया भी आप कम्प्लीटली देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग एंड फिनिशिंग देखने को मिलने वाली है। और इस बार हम लोगों ने कुछ वेलक्रो इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप देखिए वेलक्रो से क्या है कि आप इजिली इसको अनस्टिच करके अनटिच करके आप इजिली बाहर डस्ट बाहर फेंक सकते हो। साथ में आपको इस तरीके का हील पैड भी दिया जाता है, काफ़ी हैवी क्वालिटी का आपको ग्रास मैट भी दिया गया है। तो ये लुक भी आप देखिए। हम लोगों ने इस कार के अंदर अपना रियर कैमरा भी इंस्टॉल किया हो, तो एक बार चलते हैं इसकी प्लेसमेंट चेक करने के लिए। जहाँ पे ओरिजिनल कैमरा आता है वहीं पे हम लोगों ने इसका ब्लॉक पंक का कैमरा अपना इंस्टॉल किया हुआ है, तो वो आप उसकी प्लेसमेंट देख सकते हो, बिल्कुल वही प्लेसमेंट आपको देखने को मिलने वाली है। जो क्वालिटी है रिवर्स कैमरे की वो कैसी है तो अभी हम चेक करते हैं। वैसे तो ब्लॉक पंक के बारे में बहुत सारे कस्टमर्स ऑलरेडी जानते हैं, बट स्टिल की तरफ आपको ओरिजिनल कारपेट देखने को मिलने वाला है, जैसा कि मैं आपने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ। पीछे वाला का जो ग्रास मैट है वो भी मैंने इंस्टॉल नहीं कराया है ताकि मैं आपको प्रॉपर फिनिशिंग दिखा सकूँ। गाइज आप फिनिशिंग चेकआउट कीजिए इसके 90 फ्लोरिंग की, कि एक एक पार्ट आपके गाड़ी का जो जिस एरिया पे कारपेट था वो सारा हम लोगों ने प्रोटेक्ट कर दिया। साथ ही मैं आप लोगों के साथ इसका जो बूट का एरिया है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ देखिए गाइस बूट वाला जो एरिया है वो बिल्कुल निकल जाता है, तो देखिए आप अगर आप इसको बाहर निकाल के अपने टूल्स वगैरह कुछ भी निकालते हैं तो उसमें भी हम लोगों ने इसकी प्रॉपर फिटिंग और फिनिशिंग दी हुई है। तो वर्क भी आप देखिए इसका प्रॉपर, इसका लॉक भी हम लोगों ने सेटल करके दिया है, तो आप देखिए। साथ ही में जो इसकी सबसे थर्ड रो वाली जो सीट्स हैं यहाँ पे भी देखिए हम लोगों ने ओरिजिनल कारपेट लगाया हुआ है, प्लस ओरिजिनल लॉक्स लगाए हुए हैं। सेंटर वाली सीट का भी आप देख सकते हो, वहाँ पर भी आप देखिए ओरिजिनल बैजिंग ही हम लोगों ने इंस्टॉल की है। जैसे कि हम लोग कस्टमाइज में डील करते हैं तो हम लोग ओरिजिनल ही सब कुछ रखते हैं, एंड इवन आप जो हेडरेस्ट के नीचे का एरिया है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ में गाइस हम लोगों ने एक ऐसी चीज़ और इंस्टॉल किया है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, वो है उसकी एम्बिएंट लाइटिंग हम लोगों ने उसके अंदर यूज़ किए हैं, प्लस इंस्टॉल किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आपको थोड़ा बहुत नोटिस तो नहीं हो पा रहा होगा कि आखिर हम लोगों ने इस गाड़ी के अंदर अपना कोई एम्बिएंट लाइटिंग इंस्टॉल भी की है। तो गाइस अब करते हैं कि अभी तो मैंने जो एम्बिएंट लाइटिंग है उनको ऑफ की हुई है, तो अभी उनको ऑन कैसे करना है। तो गाइस कुछ इस तरीके से आपको ये ऐप दी जाती है, ये इस तरीके की ऐप है, यहाँ पे ऑफ का बटन था तो मैंने ऑफ के बटन को प्रेस करके लाइट्स ऑफ कर दिया, और अगर मैं लाइट्स को ऑन करती हूँ तो आप देखिए कि लाइट्स अपनी कम्प्लीटली सारी की सारी ऑन हो जाती है। प्लस जो लोअर वाला सेक्शन है डैशबोर्ड के नीचे, यहाँ पे आपको डुअल टोन लाइट्स देखने को मिलने वाली है। वाओ, मैं लाइट्स को चेंज करती हूँ तो आप देखिए कि जैसा आपका मूड है वैसा आप कलर्स को चेंज कर सकते हैं अपने मूड के अकॉर्डिंगली, तो वो भी आपको ऑप्शन बेस्ट मिलता है। अभी मेरा मन है कि मैं इसके अंदर ब्लू कलर को ही यूज़ करूँ, डार्क ब्लू। यस, आई लव ब्लू कलर, आई लव रेड कलर ऑल्सो, ग्रीन कलर ऑल्सो, तो वो आप देखिए। और ऐप को मैं दिखाना चाहती हूँ कि ऐप यूज़ करना बहुत आसान है, ये आप लाइट्स का कलर्स देख सकते हैं, कैसा भी कलर चेंज कर सकते हैं। अब अगर आप रात को ड्राइव कर रहे हो और आप चाहते हो कि जो लाइट की ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी कम हो जाए, तो आप इस तरीके से ब्राइटनेस को कम कर सकते हो। तो देखिए अभी लाइट्स की जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, तो आप देखिए अब मैं बढ़ा देती हूँ तो बढ़ जाती है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको पैटर्न्स भी दिए जाते हैं कि आप 7 कलर्स पैटर्न चाहते हो या सिर्फ रेड चाहते हो तो सिर्फ रेड कलर ही ऑन हो जाएगा, ग्रीन चाहते हो तो सिर्फ ग्रीन कलर,
ब्लू पे करोगे तो ब्लू कलर अपना ऑन हो जाता है, येलो, तो आप देखिए ये सारे ऑप्शंस आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। अभी मैं इसको आरजीबी कर देती हूँ। ब्राइटनेस यहाँ पे भी जाके आप सेट कर सकते हो, स्पीड आप देख सकते हो कि स्पीड आप 7 कलर से कैसे चाहते हो। तो अभी मैंने जो स्पीड चेंज की है वो आप देखिए कुछ इस तरीके से है। मतलब मैं आपको बताने वाली हूँ कि एम्बिएंट लाइटिंग लगाने के बाद इस ऐप के थ्रू बहुत हैंडी रहती है लाइट्स को चेंज करना, कि आप कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। गाइस अब बात करते हैं इस ओवरऑल कार की कॉस्टिंग के बारे में। जो भी हम लोगों ने वर्क किया है उसकी ओवरऑल जो कॉस्ट आई है वो आई है अपनी 1,50,000 से लेके 1,60,000 तक। साथ ही में जितना भी हम लोगों ने वर्क किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसी के साथ अगर आपको हमारा वर्क पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अवेलेबल कमेंट्स दीजिए कि आपको हमारा वर्क कैसा लगा, साथ ही में कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे आउटलेट पे विजिट करने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन को कम्प्लीटली चेक कीजिए। वहाँ पे आपको आउटलेट लोकेशन के साथ साथ गूगल लोकेशन भी मिलती है, कम्प्लीट एड्रेस आपको मिलता है, जिससे कि आपको विजिट करने में ईजी होगा। इनकेस ऑफ एनी क्वारी आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर जो रहेगा वो रहेगा 7271939393। कोशिश कीजिए कि आप 10 to 7 ही हमें कॉल कीजिए, मंडे हम लोगों का ऑफ होता है। तो गाइस फिर से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।